ओके सो गुड इन टू ऑल ऑफ यू आई होप एवरी बड़ी स्पाइन सो वी आर जस्ट गोइंग टू वेट फॉर फ्यू मोर मिनट बाकी लोग भी जुड़ जाए जरा फटाफट चलिए सो आई थिंक वी आर लाइव राइट नाउ वेट करते हैं बाकी लोग भी जुड़ जाए जरा ओके ओके सो आई थिंक रूपाली है ज्वाइन सत्येंद्र है ज्वाइन ओके मीनाक्षी है ज्वाइन ओके एंड अंकुर इज देयर ओके सो अंकुर कुड यू प्लीज टेल मी इज एवरीथिंग ऑलराइट फ्रॉम योर साइड आपको मेरी आवाज और वीडियो सब कुछ क्लियर है सो दैट वी कैन प्रोसीड जस्ट कंफर्म इन द चैट बॉक्स चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए आप सभी लोग कि ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है ताकि हम लोग प्रोसीड करें क्लास को आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यूर ओके अंकुर थैंक यू सो मच ओके सो राइट नाउ इन दिस सेशन अब देखिए मैं इसमें जो है मैं बहुत हाई फाइ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा हूं जैसे और बहुत ज्यादा सो कॉल्ड इंग्लिश बड़े बड़े यूज करके दे आर सेइंग इट एज ए प्रोफेशनल कोर्स ये जो कोर्स है प्रोफेशनल कोर्स होगा लेकिन क्योंकि आपके लिए ही कोर्स बनाया गया है तो आपके लैंग्वेज में ताकि आपको समझ में आए चीजें क्यों आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया ताकि आपको बेहतर समझ में आए चीजें सो राइट नाउ वी आर डीलिंग विद द टॉपिक सीवी बी वर्सेज रेज्यूमिंग क्योंकि हम सभी को नौकरी चाहिए अल्टीमेट हम चाहे जेती भी पढ़ाई कर ले बट अल्टीमेटली वी वॉट जॉब तो हमें जॉब ही चाहिए क्योंकि सोसाइटी भी हमें जज कर रही है कि भाई कितना कमा लेते हो आप ठीक है सो फर्स्ट डिस्कशन क्योंकि सीवी या रेज्यूमे ही एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसके जरिए आप अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे तक कन्वे करते हो और सामने वाला जो भी इंप्लायर है आपकी इंफॉर्मेशन देखता है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस वो सारी चीजें इंटरक्शन होती है यू गो फॉर अ जॉब तो सीवी और रेज्यूमे में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि सर कहां पर सीवी यूज करे कहां पर रेज्यूमे मैं पहले बता चुका हूं आई एम नॉट यूजिंग वेरी हाई फाइव लैंग्वेजेस आई एम नॉट गोइंग टू यूज बहुत सिंपल भाषा में ठीक है आपका कोर्स है तो आपकी भाषा में आपके ही तरीके से बहुत अच्छे से समझाया जाएगा ताकि प्रॉपरली आपको समझ में आए और प्रैक्टिकल डेमो के साथ सो वॉट एवर द एक्सपीरियंस आई एम हैविंग जो भी मेरा एक्सपीरियंस सात आठ दस साल का है वो सब एक्सपीरियंस आपके साथ जो है यूज करने वाला हूँ चलिए चाहे आइदर स्टूडेंट के तौर पर रहा हो चाहे आइदर दैट वॉज द एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद माई कॉम्पिटिशन या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर मेरा जो भी करियर है एवरीथिंग आई एम गोइंग टू यूज इन दस इन दिस कोर्स सो so फर्स्ट हम लोग डिफरेंस देखते हैं सीवी वर्सेस रिज्यूमे बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्यों क्योंकि आप एक कागज सामने वाले के के एम्प्लॉयर दे रहे हो साहब ये मेरी प्रोफाइल है सो इट्स नथिंग बट इट्स योर लाइक मैन्यू आप दे रहे हो आप अपने जन्म कुंडली दे रहे हो बहुत सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो करिकुलम विटे या रेज्यूमे इनमें जरा सा डिफरेंस समझते हैं सीवी का फुल फॉर्म क्या है करिकुलम विटे तो पहले ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली सीवी मींस सीवी का मतलब है करिकुलम विटे रेज्यू अब देखिए ध्यान से अब ये बच्चों का सवाल मैं आपके क्वेश्चन भी साइड बाई साइड डील कर रहा हूं कि सर हम लोग सीवी बनाए कि रेज्यूमे बनाए सर इस प्रोफाइल में जा रहे हैं ये करें कि ये ये कब कब ये बड़ा कंफ्यूजन दैट इज द पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन कि कब सीवी बनाए कब सर रेज्यूमे बनाए सीवी देखिए कहां से इसको लिया गया है लैटिन वर्ड से यहां लिया गया इसको और इसको फ्रेंच वर्ड से हमने लिया हुआ है ट्रेंड देखा जाए तो इंडिया में सीवी भी चलता है रिज्यूमे भी चलता है इन इंडिया द करेंट ट्रेंड इज बेस्ड ऑन सीवी एंड रिज्यूमे बोथ लेकिन अगर हम यूएसए अमेरिका की बात करें तो दे आर मेनली फोकसिंग ऑन व्हाट रिज्यूमे दे आर मेनली फोकसिंग ऑन रिज्यूमे अब देखिए सब ये करिकुलम विटे धीरे-धीरे समझते हैं जल्दीबाजी नहीं करिकुलम विटे और रिज्यूमे में मेन डिफरेंस है क्या सर तो करिकुलम विटे का साफ-साफ मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ कोर्स ऑफ लाइफ का मतलब आपकी पूरी जन्म पत्री आपकी जन्म कुंडली कहां से आपने पढ़ाई की है क्या क्या नौकरी पेशा आपने किया है करेंटली आप कहा कर करना चाहते हो एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज मैं सीबी यानी कि सीबी डिटेल्ड है और कॉमन सेंस क्या कहता है कि अगर कोई चीज डिटेल्ड में है तो जाहिर सी बात है आप उस पर सब कुछ लिखोगे सर मैंने यहां से यहां तक इतना एक्सपीरियंस है सर मैंने इस कंपनी में यहां से एक्सपीरियंस किया है सर मैंने यहां से पढ़ाई की हुई है

तो हमारे पास तो बहुत सारा कंटेंट है जर्नी हमारी कहां से शुरू हुई थी और अल्टीमेटली हम कहां पहुंच चुके हैं सो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इज गोइंग ऑन वो ऐड होता, होता जा रहा है तो आपकी सीवी बड़ी होने वाली है वहीं साहब आपके जो है दैट इज समरी द मेन डिफरेंस द मेन डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड इज ये कि करिकुलम विटे में कोर्स ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट कोर्स ऑफ लाइफ बट इन केस ऑफ रेज्यूमे

सो कैन रिमिंग बनाए किसी भी बनाए मोस्टली अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो अगर आप फ्रेशर हो पहली बार नौकरी के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, नहीं है तो योर प्रेफर्ड चॉइस इज ऑटोमेटिकली रिज्यूमिंग क्लियर हो गया दिस इज द पॉइंट ऑफ द्वाइंटिकेशन डू नॉट कंफ्यूज अगर आप फ्रेशर है सर मुझे इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करना है लेकिन इंडस्ट्री ट्रेनिंग में ऐसे मुंह तो उठाकर आप जाओगे नहीं बताने सो so, आप रेज्यूमे लेके जाओगे डॉक्यूमेंट ले जाओगे अपना बताने के लिए कि सर मैं इस कॉलेज से हूँ ये है प्रोटोकॉल ये सारी चीजें सो so, आप एज एक्सपीरियंस जब नौकरी के तौर पर जाते हैं या आप कहीं इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करने जाते हैं सो so किसके साथ आप जाएंगे रेज्यूमे के साथ नाउ इट्स वेरी क्लियर लेकिन अब क्योंकि ये स्टार्टिंग आपके रेज्यूमे हो गई है लेकिन दर बार दिन आपका ईयर बाय एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है आपका तो धीरे धीरे क्या होगा आपको सीवी में आना पड़ेगा क्योंकि आपको डिटेल दिखाना पड़ेगा अब देखो तो ये सीवी एक तो पहला ये हो गया कि आप कोर्स ऑफ लाइफ दे रहे हो आप यहां समरी दे रहे हो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा सर जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है दैट इज बेस्ड ऑन सर किस डिफरेंपज के लिए सीवी यूज करें और सर किस परपज के लिए रिज्यूमे द मेन परपज यहां आप देख सकते हो अकेडमिक्स आप कहीं पढ़ाने जा रहे हो जैसे वी एज अ फैकल्टी वी एज अ टीचर्स भाई आपने कब से कब तक काम किया हुआ है क्या पोजीशन थी आपके असिस्टेंट थे एसोसिएट थे प्रिंसिपल थे डीन थे व्हाट वाज़ द एक्चुअल पोजीशन एंड फ्रॉम ड्यूरेशन यू हैव वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर तो एकेडमिक्स रिसर्च भाई आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है पीएचडी के लिए जा रहे हो अमेरिका में पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो ऑस्ट्रेलियन कंट्री में जा रहे हो डेफिनेटली दे देवॉन्न बैकग्राउंड वो तो अपने आपके गाँव आ नहीं रहे हैं क्या आप यहां से यूपी के किसी जिले के हरियाणा से या कहीं से भी फ्रॉम डेली और एनी साउथ इंडिया यू आर जस्ट अपलाइंग फॉर द पीएचडी दे आर नॉट कमिंग टू वेरीफाई यू

क्यों क्योंकि ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है आपको फटाफट समरी लिखनी होती है लेकिन वो लेटर ऑन ऑन लेटर स्टेज दैट रेज्यूमे इज गोइंग टू बी कन्टेड इन टू तो डिपेंड्स दोन प्रोफाइल ऑफ जॉब ऑल्सो वट इज गोइंग टू बी द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी विच टाइप ऑफ जॉब एक्चुअली फॉर दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंसिएशन सो फियर अपलाइंग फॉर दिस टाइप ऑफ फील्ड लाइक अकेडमिक्स रिसर्च और स्कॉलरशिप डेफिनेटली योर प्रेफर्ड चॉइस इज करिकुलट ए नॉट रेज्यूमे

कि 50 ओवर का मैच नहीं झेला जा रहा टी ट्वेंटी में हम बात कर रहे हैं और अभी रील्स की बात करो तो एक मिनट की रील आती थी उसको झेल लेते थे बट करंट सिचुएशन इज टू मच डेंजरस वेरी हॉरिबल यू कैन से क्यों क्योंकि 10 सेकंड अब हम, हमें चाहिए 10 सेकंड की रील एक मिनट की रील भी झेली नहीं जाती है द मेन प्रॉब्लम राइट नाउ आवर यंग जनरेशन इज फेसिंग अटेंशन डेफिशिट सेम इश्यू एम ऑल्सो फेसिंग पहले जहां मैं किताबों से घंटे दो घंटे चार घंटे पढ़ लेता था बट वो अटेंशन नहीं है तीस चालीस मिनट किताबें नहीं झेली जा रही है मेडिटेशन वगैरह करके कंसेंट्रेशन बना के माइंड को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं डेफिनेटली को कम करके ठीक है तो आई होप आई हैव मेड यू वेरी क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सीवी एंड रिज्यूमे अंकुर आप मेरी बात सुन रहे हैं रूपाली आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स यस इफ टिल नाउ इट इज क्लियर जस्ट कंफर्म मी सब कुछ सही है क्लियर है अभी इज दर एनी पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन कुछ भी डाउट है लैंग्वेज फॉर दिसल पीपल फ्राम डाउन साउथ पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट देर हैल्सो ज्वाइन सो इंग्लिश हिंदी का कोई चक्कर ना हो इस वजह से चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते फटाफट सर सी वी एक्सपीरियंस पर्सन क्या है सर डिटेल्ड हमारी जन्म कुंडली है अगर देहाती भाषा बोला जाए तो यस ओके थैंक यू ओके सो इज डिटेल्ड तीन से पांच पन्ने का जनरली एवरेज देखा जाए बेस्ट है लेकिन दस पन्ने तक जा सकता है भाई आपने दस साल पंद्रह साल इंडस्ट्री में काम किया सो डेफिनेटली और एक्सपीरियंस हाई तो आपका पन्ना दर पन्ना तो बढ़ना जा, बढ़ने जाने वाला है

आजकल जब आप सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन देते हो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डेफ पूरा आपके जन्म कुंडली पूरा काला चिट्ठा के उनके पास होता है कि भैया कहां से क्या क्या किया क्या, क्या नहीं किया एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे आर है वो भी एक सीबी की तरह काम कर रहा डेफ ठीक है अट्रैक्टिव होनी चाहिए थोड़ा सा इमेजेस वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हो अपने फोटो यूज कर रहे हो जो एड्रेस आप यूज कर रहे हो जो पैटर्न यूज कर रहे हो सब कुछ attractive होना चाहिए जो फॉन्ट आप यूज कर रहे हो वो attractive होना चाहिए जो template आप कर रहे हो ऐसा नहीं रद्दी की तरह खाली एकदम लिख के चले गए नथिंग इज गोइंग टू वर्क सिंपल बहुत हाई फाई लैंग्वेज मत लिखिए एंड आई है शशि थरूर जी लेकिन उनकी इतनी हाई फाई इंग्लिस नहीं लिखनी है बहुत सिंपल इंग्लिश लिखनी है कम्युनिकेशन का माध्यम जितना सिंपल होगा पर कॉमा लगाना कहां पर फुल स्टॉप लगाना है एवरीथिंग मैटर्स स्पेलिंग सही चेक करना है आजकल कर एक एप्लीकेशन में देख रहा हूं नॉट गोइंग टू प्रमोट दैट एप्लीकेशन बट मैं यूज करता हूं ग्रामरली जैसे यूज कर लिया ग्रामरली को इंस्टॉल कर लिया वर्ल्ड में वो जैसे आपको कुछ भी स्पेलिंग करे तो वो सजेस्ट कर देगा नहीं भाई साहब ये स्पेलिंग है स्पेलिंग so, करेक्टर भी वो बता देता है कहीं पर अगर गड़बड़ होती, होती है कंफ्यूजन होती है जनरली वी नीड टू पुट डाउन आवर सीबी इन पीडीएफ फॉर्मेट हम लोग क्या करते हैं वर्ड फॉर्मेट में 2007 फॉर्मेट में बना के ले गए 2010 में खोला 2019 में खोला 2020 में खोला 21 में खोला, खोला तहस नहस हो गया बर्बाद पूरा फॉर्मेट अभी हमने फॉर्मेट लिया हुआ प्रिंट आउट लेने का सब इधर उधर कबाड़ा हो गया सो so, डेफिनेटली आपको जो सीबी देना चाहिए दैट शुड बी इन द पीडीएफ फॉर्मेट

ये पैटर्न आपको फॉलो रखना है दैट इज गोइंग टू बी द टिप्स ठीक है चलिए अब देखिए मेन आते हैं हम लोग इस पे सीवी चलिए साहब ये थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा और हो सकता है थोड़ा लाइट भी आपको दिख रहा होगा कैमरे पे तो आप परेशान मत होइए ठीक है चलिए इसको थोड़ा बड़ा करता हूं मैं और चलिए मेरे बारे में भी थोड़ा सा आपको जानने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्टली आई एम शेयरिंग माई प्रोफाइल ठीक है चलिए सो सबसे पहले सीवी में हम लोग क्या करते हैं अपना नेम डायरेक्ट नेम और उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन यहां मैंने लिख दिया है ये एक फॉर्मेट है तो मैंने नाइपर से पढ़ाई की तो मैंने नाइपर का मेंशन कर दिया परमानेंट एड्रेस जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है दैट शुड बी मेंशन या फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी आपका कम्युनिकेट करने वाला एड्रेस है दैट शुड बी मेंशन ठीक है चलिए अब देखिए ईमेल आईडी बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी धीरे धीरे आइए सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नेम सो फर्स्ट थिंग ऑन योर सीवी और रेज्यूमे पहले मैं सीवी की बात कर रहा हूं दैट इज द सीवी रेज्यूमे की बात अभी मैं करूंगा इंटरचेंजेबली हम यूज कर रहे हैं फॉर्मेट भी लगभग लगभग सेम है बस खाली चीजों को समराइज में आप रख दे रहे हो तो रेज्यूमे हो जा रहा है डिटेल्ड में रख दे रहे हो दैट इज सीवी इतना ही फर्क है बेसिक तो सबसे पहले नाम से स्टार्ट करेंगे और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है लिख देंगे चलिए जी कुछ लोग यहां पर फोटो भी चिपका देंगे चलेगा अगर फोटो लगा दिया कोई दिक्कत नहीं लगाया कोई दिक्कत वाली नहीं देर इज नो नोटरी परमानेंट एड्रेस या एड्रेस एड्रेस जो भी आपका कम्युनिकेशन है वो लिख दीजिए ईमेल मेल आई इज वेरी इंपॉर्टेंट अब देखिए कुछ भी ईमेल आई नहीं उठा के मुंह लिख देना है प्रोफेशनल आपकी एक जीमेल पे प्रोफेशनल आईडी होनी चाहिए जैसे मैंने यहां लिख दिया संजय चौहान रेट जीमेल डॉट संजू स्मार्ट एट द रेट जी डॉट इस तरीके का नहीं चलेगा ठीक है इफ यू आर वर्किंग इफ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब इफ यू नीड टू बी प्रोफेशनल आपको एक ईमेल आई डी प्रोफेशनल बनानी पड़ेगी सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग अ प्रोफेशनल ईमेल आई डी चलिए भाई साहब फिर नंबर नंबर आप एक भी दे सकते हो कॉन्टेक्ट नंबर दो भी दे सकते हो बट मेक श्योर कि आपका नंबर ऑन रहे क्योंकि कॉल जब जाती है आप नहीं रिसीव करते हो क्योंकि सीवी जहां हम अप्लाई करते हैं ऑनलाइन आजकल अप्लीकेशन हो रहा है ई के थ्रू जा रहा है ई को तो खोल के पढ़ ही नहीं रहे हैं क्योंकि ई है कोई भी उसको पूरे देश में कोने से इधर उधर इधर उधर से हर जगह से भी आ रही है और आपकी किसी ढक गई है ऑनलाइन आप अप्लाई कर उसको स्क्रीन में अचार परेशान हो जाता है तो आपका फोन नंबर एक बार अगर आपसे मौका गया दोबारा फिर मौका शायद ना मिले इसलिए प्लीज मेक श्योर दैट वॉट एवर द फोन यू आर यूजिंग दैट शुड बी इन द यूज करेंटली और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए ये चीज मिसिंग था मेरे प्रोफाइल में मैंने इसको भी बहुत हाल फिलहाल प्रोफाइल इलेक्ट्रॉनिक सीवी है ई e सीवी है वो लिंक इन प्रोफाइल पे बिल्कुल अच्छे से प्रोफाइल बनाइए आप प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट ये जो सीवी आप बना रहे हो ना सेम चीज आपकी बन जाएगी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कहा लिंक इन प्रोफाइल में तो लिंक इन प्रोफाइल में कुछ भी ऐसी तैसी इंफॉर्मेशन मत भरिए आप प्लीज फिल द प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन एंड मेक प्रोफेशनल आईडी लिंक इन पर और उसका यहां पर लिंक शेयर कर दीजिए हाइपर लिंक यहां से शेयर कर देंगे तो जैसे वो क्लिक करेगा आपके प्रोफाइल पे चला जाएगा एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर ए रिक्रूटर सब कुछ पा जाएगा वो ज्यादा उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है सो आई थिंक नाउ इट्स वेरी क्लियर तो यहां तक क्या इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि लिंकड इन प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में चलिए तो ये होशियारी आप करना है आपको अब देखिए सेकंड करियर ऑब्जेक्टिव भाई साहब आप करना क्या चाहते हो व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल शॉर्ट टर्म गोल क्या है लॉन्ग टर्म गोल क्या है आप जिंदगी से क्या चाहते हो अब देखिए करियर ऑब्जेक्टिव में दो चीजें आप देखो मैं अकेडमिक्स में फिलहाल हूं तो मैंने यहां देखो अकेडमिक्स से रिलेटेड लिखा हुआ है यहां पर देखो थोड़ा गोलू मोलू सा लिखा हुआ मैंने घुमा के अगर पढ़ोगे टू वर्क इन आई कैन एनहांस नॉलेज ये लाइन कि भाई जहां पर मुझे बढ़िया से काम करने का मौका मिलेगा जहां मुझे प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा वहां मैं बेस्ट दूंगा मेरी भी ग्रोथ होगी और ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होगी जो भी मैंने सीखा है इस फार्मेसी में जो भी टेक्निकॉलिटी सीखी दैट आई एम गोइंग टू यूज एट द बेस्ट लेवल सिंपल सी बात लेकिन ये गोलमोल सा है अब देखिए ये जो करियर ऑब्जेक्टिव है ये आपका चेंज होता रहता है जनरली जो सीवी होती है ना वो स्टेबल होती है ज्यादा ज्यादा डायनेमिक नहीं नहीं होती है। उसमें नहीं होती है लेकिन जो रेज्यूमे होता है उसमें छेड़ा छाड़ी उसमें भी होता है। तो सीवी ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि पिछले साल जो एक्सपीरियंस था वो तो आप चेंज नहीं कर सकते उसको पर ऑन ऑन होते जा रहा है तो पिछला कंटेंट कुछ नहीं हटता तो सीवी ज्यादा स्टेबल होती है ज्यादा उसमें एडिट नहीं होता है बट रेज्यूमे में ज्यादा एडिट होता है अब देखिए तो जब कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि मुझे टीचिंग ज्वाइन करना मुझे आर सेक्टर ज्वाइन करना है मुझे गवर्नमेंट के लिए जॉब करना नथिंग इज गोइंग टू बी श्योर तब आप इस तरीके की गोलूमोल करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं बट अगेन आई वुड लाइक टू क्लियर अगर आप मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं या सेल्स के लिए जा रहे हैं या फिर किसी भी जॉब के लिए चाहे आर एनडी सेक्टर हो चाहे आप फार्मे को के जा रहे हो किसी भी सेक्टर के लिए किसी भी आप उसके लिए जा रहे हो सो आपका करियर ऑब्जेक्टिव उससे रिलेटेड होना चाहिए भाई आप जिस चीज के जॉब के लिए जा रहे हो अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं शो करोगे अच्छा है, है जो और लोग आए उनमें नहीं है और आपको ही क्यों हायर करें वाई आई शुड हायर यू एज एम्प्लॉयर वट इज यूनिक इन साइड विद इन यू यू कैन से वट इज यूनिक इन साइड यू इस तरीके से ठीक है तो आपको यहां पर्सनली लिखना पड़ेगा अगर आप सेल्स के लिए जा रहे हैं तो अपना करियर ऑब्जेक्टिव सेल्स के लिए अब देखिए कहीं आप सेल्स में जाके अकेडमिक्स में जा रहे हैं और वही सेल्स वाला करियर ऑब्जेक्टिव आपने चिपका दिया दैट इज रॉन्ग इमेज खराब हो जाएगी मैंने कहा क्या कहा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग करियर ऑब्जेक्टिव एज पर द जॉब यू आर लुकिंग फॉर

तो जो चीज में आपको मजा आता है वो काम आप दिल से मन से काम करते हो और उसमें आप हंड्रेड परसेंट देते हो और उसमें सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाता है तो अगर कभी अगर आपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर, कर दिया अब टीचिंग मेरा जैसे कि मैं बाई चॉइस नहीं आया बाई चांस आया बिकॉज नाइपर का पढ़ा हुआ बच्चा वो हमेशा रिसर्च में अक्सर जाता है

टीचिंग इंटरेस्टिंग इनोवेटिंग इन्फॉर्मेटिव पढ़ा तो सब रहे हैं भाई साहब लेकिन मैं क्या कर रहा हूं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से और इन्फॉर्मेटिव तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा हूं इज गोइंग फॉर बट एवरीबडीडमिकॉट यूनिक विद इन मी आई हैव ऑलरेडी है उसके अलावा कि साहब मैं टीचर ही नहीं हूं मुझे बायोलिटिकल मेथड डेवलपमेंट और वेलिडिशन भी आता है इंडस्ट्री में एक सेगमेंट है पूरा ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जहां पर एचपीएलसी एलसीएमएस यूवी

each and every piece of information is having with me i'm not having the expertise that's why i have used the word knowledge of ipr i'm having the piece of information i'm not the expertise of that but i'm having the information if any task will be given to me related to ipr definitely i'm going to fulfill that task simple that's it so very cautiously, i i have used that word shabdon ko dhyan Toh interest pata lag gaya. तो जो टीचिंग वाले होंगे अच्छा और कहीं किसी कॉलेज में अगर एचपीएलसी सी होगा तो मुझे काम पकड़ा दिया जाएगा बायो एनालिसिस का।, का अच्छा ये टीचर को एचपीएल भी आती है इस टीचर को एलसीएमएस भी आता है इस टीचर को जो है एनिमल स्टडीज भी आती है इस टीचर को जो है फॉर्मुलेशन बनाने भी आता है इट मीनस ये काम का बंदा है मल्टीपल है खाली टीचिंग लिख देता तो इट विल बी बोर ठीक है तो अब इस वजह से इन सब से इंटरेस्ट लेंगे लोग

ये वाली बात हो गई अब देखिए नेक्स्ट कॉलम इज पब्लिकेशंस प्रोजेक्ट एंड एक्सपीरियंस बिकॉज राइट नाउ आई एम डीलिंग विद द एकेडमिक्स तो पब्लिकेशंस प्रोजेक्ट एंड एक्सपीरियंस पब्लिकेशंस कौन कौन से है पब्लिकेशन या तो आपके इंटरनेशनल हो सकते हैं या नेशनल हो सकते हैं और कौन से बेस्ट पब्लिकेशन होते हैं जो साई इंडेक्स होते हैं जो स्कूपर्स में इंडेक्स होते हैं जो यूजीसी इंडेक्स्ट होते हैं इन सब में बढ़िया बेस्ट होते हैं ये सब यूजीसी केयर में तो आप देखिए मैंने टीम के साथ काम किया हुआ है नए नए फॉर्मुलेशन पे काम किया हुआ है विले ऑनलाइन लाइब्रेरी कितनी बढ़िया विले विले के बारे में जो रिसर्चर होंगे उनसे पूछना विले एक में पब्लिश करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है फिर देखो यहां पर बुक चैप्टर पब्लिश इलसेवियर इलसेवियर एक एक अच्छा पब्लिकेशन मोड है जहां पर आप अच्छे से कर सकते हो सारी चीजें देखो हर साल में एप्पल अकाडमिक प्रेस बेस्ट वर्ल्ड की जो बेस्ट पब्लिकेशंस हैं चाहे वो नेचर हो चाहे अलग अलग जर्नल्स हो लैंड हो उनके अलावा ये सब बेस्ट में है देखो ये सब एलसीवीर भी, भी बहुत अच्छा है एप्पल अकाडमिक प्रेस भी बहुत अच्छा है ठीक है ये सब इसलिए नहीं अच्छा बोल रहा हूं कि मैंने किया हुआ है इसलिए कि वो अच्छा है उसमें काफी चीजें अब देखो इसमें इस इंपैक्ट फैक्टर होता है जब आप रिसर्च में जब ज्वाइन करते हो उसमें इंपैक्ट फैक्टर जो भी आप पब्लिश करते हो कंटेंट उसका इंपैक्ट फैक्टर होता है टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप ने इसको पब्लिश किया है जर्नल ऑफ ड्रग डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी में किया है जर्नल है है रिव्यू कई लोगों ने इसको रिव्यू किया हुआ है ये ये सब देखो जर्नल ऑफ फ्यूचर माइक्रोबायोलॉजी सो ये अपने आप वर्ल्ड में बेस्ट जर्नल्स हैं बेस्ट पब्लिकेशंस हैं जिनमें मैंने चीजें पब्लिश की हुई है अब जो लेटेस्ट देखो मैंने कहा आपसे क्या कहा नहीं करता हूं। लेकिन साल भर में एक ही दो पब्लिकेशन आता है वो धमाकेदार होता है क्योंकि आजकल क्या है रिसर्च देख रहे हो सब लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और अभी इंडिया से बेस्ट रिसर्च जा ही नहीं रही है सब लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं डेटा चुरा रहे हैं प्लेगरिज्म कर रहे हैं यहाँ वहां पेपर छाप रहे उल्टा पुलटा नौकरी बचाने के लिए फिर मैंने आपसे क्या कहा था

इससे पहले कहा काम किया जैसे मैंने शारदा मेंशन किया हुआ है इन द शारदा तो शारदा का मैंने किया फिर इससे पहले कहा मैंने काम किया एवरीथिंग आई मेंशन फिर नो एवरी इसमें मैंने काम किया है फिर एक के लिए मैंने बनाया हुआ है फिर एग्जामिनेशन इंच रहा हूं बहुत सारे जगह पेपर सेटर की तरह काम किया बहुत जगह कोऑर्डिनेटर की तरह काम किया है ये सब मैंने एक्सपीरियंस लिखा हुआ है अचीवमेंट नाइपर जे क्वालिफाइड हूं जीपैड क्वालिफाइड हूं जीपैड मैंने दो तीन बार दिया हुआ है ये जो रैंक दिख रही है इससे बेस्ट रैंक भी आई हुई है तो आप एजुम मत करो कि यही सबसे मेरी बेस्ट है रैंक अंडर हंड्रेड भी आई है बेस्ट भी आई है लेकिन मैंने सब कुछ नहीं किया हुआ है क्योंकि एक बस मेंशन कर दिया उसमें ये मेरी इनिशियल है जब मैं बी फार्मा पास आउट हुआ तब उस समय इनिशियल है ये फिर सिल्वर मेडल मेरे को दिया गया एक के थ्रू जो कर्नाटक केरला का डीआई इंटरव्यू उसको मैंने फेस किया है दिया है फार्मास का एग्जामिनेशन क्रैक किया हुआ है जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है चाहे जामिया हमदर्द के ये सब मैंने दिया हुआ है आई टी में मॉडल प्रेजेंट किया हुआ है ये सब में काम किया हुआ ये सब सो ये आइडिया देख सकते हो कि जो भी मैंने अपनी जिंदगी में किया है बेस्ट करने की कोशिश किया है थोड़ा ही किया है बट आई हैव गॉन फॉर द बेस्ट आपकी एक या दो क्वालिफिकेशन अच्छी जगह से होनी चाहिए क्यों क्योंकि आपको एक्सपोजर मिलता है नाइपर में पढ़ने का ये फायदा होता है गुजराती भी है मराठी भी है साउथ इंडियन भी है यू आर गोइंग टू गेट द एक्सपोजर ऑफ वट मल्टीपल कल्चर ठीक है चलिए अब देखिए कितना

उसके बाद कॉन्फ्रेंस सेमिनार वेबिनार फैकल्टी बिकॉज राइट नाउ आई एम एकेडमिक्स सो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एक मिनट जरा लाइट फ्लक्चुएट हो रही है शायद मेरे ख्याल से बिजली का कुछ इश्यू आ रहा मैं इसको ऑफ कर देता हूं ठीक है चलिए अब देखिए फाइव डेज अटल एफडीपी मैंने किया हुआ है ये वन ऑफ द बेस्ट एफडीपी होती है एआईसीटी करवाता है ठीक है चलिए 2021 में किया फिर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने किया फिर मैंने थ्री वीक्स का ऑनलाइन शॉर्ट कोर्स किया फिर अपने मैंने paper जो PhD का मैंने <coughs> उसको represent किया मैंने पेपर जो का उसको रिप्रेजेंट किया ठीक है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम फिर MDP मैंने यहां देखो किया फिर एफ डी पी मैंने किया शारदा में रहते हुए मैंने काम किया सारी चीजें नेशनल फैकल्टी प्रोग्राम मैंने यहां से किया पी आर आई ए प्रोग्राम किया ये सब कुछ तो कोई कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम अलग अलग एक्सपोजर है कैपेसिटी बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस यू कैन से ठीक है लीडरशिप टॉक यूजीसी के चेयरमैन साहब की योगा वगैरह में भी ये सब ठीक है मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से भी कई सारे प्रोग्राम हमने किया है ठीक है ये सब तो आप देख सकते हो एवरीथिंग इंपॉर्टेंट क्या बात है कि लेटेस्ट से लेटेस्ट से लेके जो पिछला है अब देखो मेरा लेटेस्ट जो अभी तक का है देखो ये कई पन्ने भर रहा है अभी देखते रहो कितना पन्ना ये टू आउट ऑफ सिक्स ये तो छह पन्ने मैंने रोक लिया दस पन्ने की सीवी बनती है ये।, ये तो मैंने रोक लिया है सीवी में अभी बहुत कुछ देखो अब देखो उसके बाद जो मेरा मास्टर्स के टाइम पर सीडीआरआई और सीएसआईआर का जो सिंपोजियम था फिर देखो मैंने अपने बी फार्मे के टाइम पर देखो सब कुछ सब कुछ फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी मैंने दिखाई कि भाई मैं खेल बल में भी अच्छा हूँ ऐसा नहीं किताबी कीड़ा लड़ाऊ खाली पढ़ने वाला भी हूँ तो नाइपर में जो एक्टिविटीज वगैरह हुई थी वो सब स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी आप दिखाओगे दे विल गो फॉर पर्सनल डिटेल वेरी इंपॉर्टेंट इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते आप पर्सनल डिटेल्स फादर नेम डेट ऑफ बर्थ मराटल स्टेटस अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड लिखिए लैंग्वेजेस कौन कौन सी नोन है आप लिखिए भोजपुरी मत लिख दीजिएगा हरियाणवी मत लिख दीजिएगा ठीक है बिकॉज ऑफिशियल लैंग्वेज वो नहीं है दे आर नेटिव लैंग्वेजेस

डमिक प्रोफाइल कैसा है हाउ मे सीरियस सी सी इज हैविंग फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट देते हो आई गाई डिक्लेयर दिस की होनी चाहिए डेट और प्लेस, प्लेस. कहाँ के रहने वाले हैं वहां से नहीं जहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं वहां का डेट और प्लेस डालिए इस तरीके से तो आप देख लीजिए क्या क्या कॉलम आपको मिलने वाला है ठीक है आप ये कॉलम बना लीजिए और इसी हिसाब से सीवी अपने आप को अरेंज करिए आई एम नॉट सी दिस वन इज गोइंग टू बी द बेस्ट बट बुरी भी नहीं है

पूरा मेरी जन्म कुंडली है अब जो पढ़ेगा तो क्या मेरे बारे में नहीं पता लगेगा इसका तो रेज्यूम में भी, भी आपका नाम वगैरह सब कुछ रहेगा रेज्यूमर करियर ऑब्जेक्टिव रहेगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट वहां भी रहेगा सेम थिंग विल बी देर अकेडमिक क्वालिफिकेशन वहां भी रहेगा शॉर्ट अप कर सकते हो जैसे ये पब्लिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन डाल दिए एक्सपीरियंस भी दिखा दी गया तीन चार लाइन में इतना आप गोलू मोलू सा नहीं लिख रहे हो शॉर्ट कर रहे हो टेक्निकल स्किल में इतना डिटेल नहीं लिख रहे हो कि हैविंग एनालिटिकल स्किल हैविंग फॉर्मुलेशन स्किल हैविंग दिस मच स्किल हो गया में ठीक है समझ गए डिटेल क्यों मैंने डिटेल में सीपी बनाई हुई है बिकॉज आई एम राइट now वर्किंग इन द अकेडमिक्स तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कैसे सीवी बनाते हैं क्या क्या स्टेप्स होता है कहाँ क्या बातें ध्यान रखना होता है क्या क्या headings होती है कैसे आपको बनाना है आप अपना टेम्पलेट बनाइए उस पर रेडी कर लीजिए ठीक है अब आते हैं जरा इस पे मैन मुद्दे पे अब ये जो बातें मैंने की थी क्या वो सही है साहब कोर्स ऑफ पूरा जन्म कुंडली है अभी आपने देखा आपके सामने रेज्यू सर साहब समरी है तीन से पांच पेजेस के होने चाहिए छह पेजेस के आपने देख ली बियॉन्ड फाइव पेजेज भी हो सकती है अकेडमिक रिसर्च और स्कॉलरशिप के लिए अब आप आपको समझ में आ रही होगी कि क्यों मैंने सीवी बनाई है क्यों रेज्यूमे नहीं बनाया ठीक है कवर लेटर कभी कभी ये जो है ये सारी बातें लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो आप सीवी के साथ एक कवर लेटर भी दे सकते हैं आजकल ट्रेंड में है तो कवर लेटर में मुख्य मुख्य बातें कि सर मेरा एक्सपीरियंस में ये है, ये है तो जो हाईलाइटेड चीजें वो कवर लेटर में लिख सकते हो तो सीवी अगर बहुत लंबी है तो एक साथ में कवर लेटर अटैच कर दो तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें रिक्रूटर को एम्प्लॉयर को पता लग जाएगा ये सब बातें बाकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए सिंपल होनी चाहिए एक्यूरेट आपने देखा होगा इंग्लिश लैंग्वेज मैंने बहुत सा यूज किया है पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए हालांकि मैंने आपको वर्ड दिखाया लेकिन वो पीडीएफ फॉर्मेट में मैं हमेशा शेयर करता हूँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तब मैं बता रहा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो नहीं समझ में आ रहा था अभी समझ में आ रहा होगा सो आई होप दिस सेशन वॉज फ्रूटफुल टू यू सो वट आर दीपल दे है लेट नाइट सेशन थोड़ा सा लेट नाइट हो रहा है तो जो भी आपके डाउट है प्लीज पूछ लीजिए मैं इस सेशन को रहा हूँ तो सीवी कैसे बनाते हैं क्या उसके टिप्स हैं कब सीवी साफ बनाए कब रेज्यूमे बनाए यही अब आपको इस कोर्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी तो आपकी जो पहली नॉलेज थी अभी आपकी नॉलेज आई एम श्योर कि वो अपडेट हुई होगी आई एम sure श्योर कि जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे ओके आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स तो आप पूछ सकते हैं ठीक है लाइव क्लासेस ले ले रहा हूं ताकि आप मुझसे लाइव इंटरेक्शन कर सको

आपको वहां के कल्चर उनकी भाषा में बात करना पड़ेगा ताकि सॉफ्ट सॉफ्टकर्न आए ठीक है पीडीएफ फॉर्मेट पीडीएफ फॉर्मेट का मतलब पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना जैसे ये वर्ड था ना फाइल का फॉर्मेट होता है ये वर्ड फाइल में जिसमें आप एडिट कर पाते हो पीडीएफ फॉर्मेट वर्ड को पीडीएफ फॉर्मेट में चेंज कर दोगे पीडीएफ इज अ फॉर्मेट जिसमें आप चेंज कर दे रहे हो तो ये जैसे यहां लिख सकते हो चेंज हो सकता है उसमें चेंज नहीं होगा वो एक बार में छप जाएगा और प्रिंट आउट आप ले सकते हो ठीक है चलिए तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आई होंगी ज्यादा सेशंस को लंबा नहीं करते हैं इंपॉर्टेंट है आपका समय भी मेरा भी समय इंपॉर्टेंट है और जो मुझे मेन बात करनी थी आपसे दैट आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड टाइम थैंक यू वंस अगेन